हेलो फ्रेंड्स, मंजू विद कुकरी हाउस में आपका स्वागत है। सॉरी, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहते हैं, इसके जिससे मैं कई बार वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। मॉर्निंग 11:30 क्लासेस शुरू हो जाती है, इवनिंग 6:30 और 7 o'clock तक फ्री होती हूँ। उससे पहले किचन का, देन उसके बाद फिर डिनर। बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है तो शूट करना मुश्किल हो जाता है। बट आज मैंने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाला है। अभी अभी हमने किचन रेनोवेट करवाया है, मैंने उसमें डिश वॉशर लगवाया, क्योंकि क्लासेस की वजह से बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। बहुत टाइम सेव होता है, पानी का भी सेव है, लाइट का भी कंजम्पशन कम से कम हो रहा है। एंड जब बर्तनों को आप देखेंगे ना, बहुत ही मजा आ रहा है। ऐसे चमचमाते हुए बर्तन निकलते हैं, बिल्कुल ईजी, पता ही नहीं चलता कि कब बर्तन क्लीन हो गए। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपको आज इसकी वीडियो दिखाती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आई थिंक सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिमांड में वो डिश वॉशर ही था, क्योंकि हर घर में बर्तनों की प्रॉब्लम तो थी। पूरा टाइम घर पर सभी लोग थे तो दिन भर कुछ ना कुछ खा रहे हैं, पी रहे, तो बर्तन बहुत ज़्यादा होते थे। अच्छा है अगर आप डिश वॉशर ले लें तो लाइफ टाइम के लिए इंजॉय करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ ना आज मैंने कौन सा डिश वॉशर लिया है, उसको मैं अच्छे से आपको लगा कर दिखाती हूँ, सारा कुछ बताऊंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने परचेज किया था डिश वॉशर। ये है बॉश कंपनी का, इसके बारे में मैंने काफी सुना था तो हमारी प्रेफरेंस थी कि हम भी ऐसा ही बेस्ट कुछ ले। ये मैंने अमेजोन से ही लिया है तो मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी। ये देखिए जी, इसको मैंने ओपन किया, इसमें ये दो ट्रे बनी हुई है, इसमें ये जो डार्क ग्रे वायर है इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये एडजस्टेबल है ताकि आप फिर बड़े बर्तन रख सकें। ये डार्क ग्रे जो रैक है ये फ्लेक्सिबल है तो इसे हम डाउन करके इसे हम बड़ा ये बना सकते हैं। यहाँ पर हम बड़े बड़े बर्तन रख सकते हैं, यहाँ पर हम बहुत छोटे छोटे बर्तन नहीं रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटे बर्तन नीचे की तरफ निकल जाते हैं और फिर ये फ़ैन आप देख रहे हैं ना, इसको ऐसे घूमने में दिक्कत होती है, इसकी ये ब्लेड टूट सकती है। तो हमने यहाँ पर बड़े बड़े बर्तन ही रखे हैं। और अभी आप देखेंगे मेरे सिंक में कितने सारे बर्तन हैं और मैं भी आपको लगा कर दिखाऊंगी। इनको लगाना बहुत अच्छे से तरीके से है। इसमें तीन चीज़ें यूज होती है, जो ये IFP का डिटर्जेंट पाउडर है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में मुझे इसे कहाँ पर डालना है। ये है IFP का रिंच एड, इससे बर्तनों में शाइनिंग आती है तो रिंच एड भी डाला जाता है इसके अंदर। और ये है सॉल्ट, ये 1 kg सॉल्ट जस्ट 1 time में यहीं पर डल जाता है। इसको हम ओपन करते हैं, ये यहाँ से ओपन करके ये 1 time में यहाँ पर पूरा डाला जाता है। अभी तो हमने डाल रखा है तो मैं आपको डाल कर नहीं दिखा रही हूँ। ये पूरा 1 month तक यूज होता है, 1 time ही डालना पड़ता है आपको और 1 month हम इसको यूज कर सकते हैं। ये 200 ml की बॉटल आती है, रिंच एड मुझे यहाँ डालना होता है, यहाँ से हम एक बार में 200 ml डाल देते हैं। ये भी आपका काफ़ी टाइम तक चलता है, डिटर्जेंट हर वॉश में डलता है तो यहाँ पर मैं 1 tablespoon डिटर्जेंट डाल देती हूँ, ये पूरा 1 बड़ा चम्मच है। और अब हम इससे बात कर देंगे। अब हम बर्तनों को आपको अरेंज करके दिखाते हैं। ये सारा कटलरी का है जिसमें आप स्पून्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, स्पैचुला, देन जो भी आपकी बड़े स्पून्स हैं, बट ये यहाँ पर रखने से ना काफ़ी स्पेस ले लेती है तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। मैं आपको इसके बगैर ही हम स्पून्स वगैरह कहाँ रखेंगे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं प्लेट्स, तो देखेंगे मैं आपको कितने सारे बर्तन दिखा रही हूँ इसमें। अगर इसमें फूड पार्टिकल रहेंगे तो ये जो है ना ये जैम हो जाएगी, ये जाली, और जल्दी ख़राब होने का चांस है। तो हमें इसमें से फूड का सारा पोर्शन निकाल देना है और फिर आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। हम सारे बर्तन लगाएंगे, आप देखेंगे इसमें कितनी चिकनाई है। और हर बर्तन को हमें उल्टा करके लगाना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बड़े बर्तन ही रखने हैं, छोटे बर्तन नहीं रखेंगे। ये फुल हो गया है, मैं इसे अंदर कर देती हूँ आराम आराम से। अब मैं आपको इसको भी फिल करके दिखाती हूँ। इसमें भी ये एडजस्टेबल है तो इसको आप ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बंद कर सकते हैं ताकि यहाँ पर बड़े बर्तन आ जाए। मैं इसमें ये कांच की बॉटल भी डाल रही हूँ। सारे आपके स्पून्स वगैरह यहाँ पर काफ़ी सारे आ जाते हैं, ये जितने भी बड़े स्पून्स हैं ये हम यहाँ डाल देंगे। ये देखिए मैंने कितने सारे बर्तन लगाए हैं इसमें, देख रहे हैं ना, ग्लासेस वगैरह, यानी मैंने कांच के ग्लास भी लगाए हैं, स्टील के भी लगाए हैं, कटोरियाँ,
मैंने यहाँ पर देखिए छोटा सा लोटा लगाया है, मतलब काफ़ी सारे बर्तन स्पून्स वगैरह सारे हमने यहाँ रख दिए, बड़े स्पून्स मैंने नीचे रखे हुए हैं। अब मैं इसे अंदर कर देती हूँ। यहाँ पर हमने सारी प्लेट्स लगाई है, जिसमें मैंने यहाँ पर ये देखिए जी बोन चाइना की भी लगाई है, सेरामिक है, देन स्टील के मैंने लिड वगैरह यहाँ पर हॉट केस कैसरोल टोपिया सब लगा दिया। और अब मैं इसे भी अंदर कर देती हूँ। अब हम इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप देखेंगे ये है इंटेंसिव कढ़ाई, यानी बहुत ज़्यादा तेल बेल के बर्तनों आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सप्रेस स्पार्कल है, ये ऑटो, ऑटो में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। इको, इको सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इको में आपका कम टाइम में, कम से कम पानी में और कम से कम बिजली की यूनिट आपकी यूज़ होगी। हम इसको इको पर ही चलाते हैं, तो अभी आप देखोगे मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, ऑन कर दिया, और इसके बाद आपको ऑप्शन डालने कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। तो हम इसे डालेंगे इको पर। इको में आपको जो टाइम लगता है वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टाइम है, 1 घंटा और 25 मिनट्स। और आप जस्ट मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ। इसमें कोई बहुत साउंड भी नहीं है, बस हल्का सा जो फैन चलता है ना, बस उसी की बहुत स्लो साउंड आती है। अब ये स्टार्ट हो गया है और अब ये 1 घंटा 25 मिनट के बाद कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी बर्तन निकाल कर कितने अच्छे बर्तन चमचमाते हुए एकदम हाइजीन, मज़ा आता है उनको यूज़ करने में, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जी टाइम कंप्लीट होने वाला है, और इसमें आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपने तुरंत उसको ओपन नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, यानी आप अभी तुरंत बर्तन भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो 5-70 डिग्री पर ये पानी गर्म होता है, तो अगर आपने इतने गर्म गर्म बर्तन में तो हाथ जाने का चांस रहता है। तो अच्छे है, थोड़ा सैनिटाइज हो रहा है, तो बल्कि आप इसको अगर टाइम है तो 15 मिनट्स 20 मिनट्स और 1 आवर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद सारे बर्तन बाहर निकालेंगे, और मैं आपको दिखाऊँगी इसका रिज़ल्ट। ये देखिए जी मैं 1/2 घंटे के बाद इसे खोल लूँगी। हम बर्तनों को चेक करते हैं। ये ना कटोरी कैसे चमाचम कर रही है, एक एक बर्तन प्रॉपर ग्लास देखना चाहेंगे। ये देखिए अंदर तक की क्लीनिंग हो गई है, नीचे के बर्तन भी दिखाती हूँ। ये देखिए प्लेट कितने साफ सुथरी, ये देखिए जी एकदम गरम गरम प्लेट है, इतना मज़ा आ रहा है। ये देखिए जी मैं खाली दिखा रही हूँ, ये देखिए क्लीन हो गई है, बिल्कुल सूख भी गई है साथ के साथ, तो अभी मैं इसको ड्राई करने की और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर क्लीन हो गई है। ये देखिए हॉट केस वगैरह कितने अच्छे, तो अभी आपको इसके बाद कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये देखिए अंदर तक कितना अच्छे से क्लीन हो गया ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आज मैंने मोस्टली इसमें स्टील के बर्तन डाले थे, एक दिन मैं आपको सिर्फ क्रोकरी का भी दिखाऊंगी, बहुत आसान हो जाता है। 1.5 घंटे के अंदर ढेर सारे बर्तन पूरे क्लीन होकर साफ होकर और आप देखो ड्राई भी हो गए हैं, यानी हम इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने लिड वगैरह लगाई थी, सब कितने अच्छे से क्लीन हो गई है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अब आपको। तो कैसा लगा आपको हमारा ये एक्सपीरियंस, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।